कॉफी पूजो हिंदुस्तान पार्क। अच्छा तो हम आए हैं यहाँ पे लिफ्ट मॉल में और हमने खाना यहाँ से ऑर्डर करवाया है टेक अवे लेके जाने के लिए। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम आइसक्रीम। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी आइसक्रीम शॉप है एंड आई एम गोना वी बोथ आर गोइंग टू हैव सम आइसक्रीम फ्रॉम हियर। बहुत भीड़ तो नहीं है गाइज, लेकिन हाँ थोड़े बहुत लोग तो है रात में, तो थोड़े बहुत ही अच्छे खासे लोग हैं। सो या पूरा फेस्टिव का जो फील है ना वो आ रहा है। सो या बारबेक्यू, क्या है बारबेक्यू इन अ बॉक्स। तो घूमकर बाहर से वापस आ गई हूँ और मास्क पहना हुआ तो आप लोगों को दिखा नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ हल्का सा फाउंडेशन लगाया है और मैं थोड़ा सा लाइनर लगाया था, हल्का सा आईब्रो किया था, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं, ज़्यादा कोई देखने वाले है नहीं, तैयार व्यार होने का कोई मतलब नहीं है। और हेयर मैंने एकदम ऐसे साइड में हल्का सा, मैंने उसको थोड़ा सा कर्ल टाइप का कर्ल से छोड़ दिया था। ये नीचे इसका स्कर्ट है, ये बहुत ही फ्लेयर वाला स्कर्ट है और ये ऊपर ऐसा अनारकली टाइप का है, ये अनारकली सूट। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है ये और इसके ऊपर मतलब पूरा एकदम भरा हुआ सा खूबसूरत सा काम हो रखा है, गोल्डन ऐसे जड़ी टाइप का और ऐसे पीछे से है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। शादी वादी में भी पहन सकते हैं, फेस्टिवल में भी पहन सकते हैं, नया नहीं है ये, पुराना है पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक ही बार पहना था मैंने, सोचा था चलो ये पहनती हूँ। तो महाशप्तमी की जो आज की नाइट है वो हमने कुछ इस तरह सेलिब्रेट किया और बारबेक्यू का एक हम बॉक्स खरीद के लेके आए, जो उनका बूफे का बॉक्स होता है वो भी अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगी। उसमें बहुत तरह से तरह के डिलीशियस फूड है और बाहर जाके कहीं बैठ कर डिनर करना थोड़ा सा हमें अनसेफ लगा, इसलिए हम खाना खरीद के लेके आए, क्योंकि द टाइम इज नाउ 9:25 एंड डिनर थोड़ा सा बाद में करते हैं। ओके गाइस, तो हम लेक मॉल से जो आपको बॉक्स दिखाया था बारबेक्यू नेशन का बारबेक्यू इन अ बॉक्स, मैं बता देती हूँ आपको ये है क्या। एक्चुअली जब हम बारबेक्यू में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें बैठ कर खाना खाना पड़ता है और पर हेड हम मतलब बेसिकली ये बूफे का बॉक्स है, मतलब आप तो आला काटे खा सकते हो, लेकिन अगर आपको बूफे खाना है तो आपको पड़ जाता है ऑलमोस्ट पर हेड मोर देन 1000 रुपीज़। तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता है कि दो जन जाए और एक बूफे ले, तो दोनों जन का ही वो मतलब खाना लेना पड़ता है। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि इतने लोगों के बीच में खाना खाना एक तो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है और अगर हम घर पे लेके आएंगे तो हम बहुत आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठकर खाना खा सकते। तो मैंने सोचा अगर खाना खा ही रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक मतलब पैकेट है, अगर आप लोग भी घर पर बैठकर खाना खाना चाहते हो इस तरह से घर पे मंगवा के एकदम इतना खूबसूरत सा बुफे, और बारबेक्यू नेशन का जो मेन्यू होता है उनकी जो डेलिकेसी होती है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, इसलिए मैं स्पेशली आपके साथ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो अब हम इस पैकेट को खोलेंगे, बहुत ही बड़ा मतलब काफ़ी हैवी है ये, इट्स रियली हैवी। तो अब हम इसे खोलेंगे, मैं पैकेजिंग जो है ना इनकी बहुत मस्त होती है। वाओ, डिजर्ट से शुरू किया है, ये सारे डिजर्ट है ना। ओ तिर, अच्छा ये इसका थोड़ा सा बॉक्स खुल गया है और ये है क्या, व्हाट इज दिस, आई हैव नो क्लू, ये कुछ ऐसा स्वीट था, फिरनी लिक्विड फिरनी ऐसे फिरनी। अच्छा तो ये है, इसको हम साइड में यहाँ पे रख देते हैं। एंड ये कोई चटनी टाइप की चीज है गाइस, सी हरी चटनी है एंड ये है मेयोनीज, काफी अच्छा अच्छी खासी क्वांटिटी है मेयोनीज और इसकी, और है ये ब्राउनी, ब्राउनी लुक्स लाइक। अच्छा अब इसके बाद इसको निकाल देती हूँ, ये सारे बॉक्स हैं।
अच्छा पहले मैं ये चेक करूंगी कि इसकी पैकेजिंग तो ठीक है कि इसमें से भी कुछ निकल विकल गया है। हमने जो पैकेजिंग की वीडियो देखी थी उसमें पैकेजिंग और भी ज़्यादा बेटर थी, उसमें ऐसे टेप वेप नीचे लगा हुआ था, इसमें नहीं है। अच्छा दिस इज अ लुक्स फाइन। तो अब मैं सारे बॉक्स फटाफट से नीचे निकाल लेती हूँ। मैंने काउंट क्या क्या है इसमें, अच्छा मैं एक्चुअली दिखाना भूल गई, लेकिन ये सब कुछ चीजें खोलने से पहले भी हमने बॉक्स को सैनिटाइज किया था, और वापस से मैं एक बार अपना हाथ सैनिटाइज कर लेती हूँ। सेफ सिक्योर द इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ। तो ये पैकेट्स इस तरह से सेलो टेप टाइप का कुछ है। यहाँ पे क्या लिखा है, डिलिशियसली ग्रिल्ड सेफली पैक्ड। तो इसको हम ऐसे खोल लेते हैं पहले सारे ऐसे बॉक्सेस। इसमें कबाब होने के चांसेस है। ओके तो इससे स्टार्ट करूंगी मैं। ये है नॉन वेज आइटम, ये भी नॉन वेज आइटम, और ये भी नॉन वेज आइटम। यू हैव एनी आइडिया किसमें क्या? अच्छा दिस इज वेज, इसमें आलू टिक्की है और इसमें पनीर। पाइनएप्पल। अच्छा ये पाइनएप्पल क्या है, इसका नाम है समथिंग पाइनएप्पल की कोई डिश है। मैं जोमैटो में मिलता भी है ना, ये यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम जोमैटो। ये सारे नॉन वेज प्लेटर्स है, इसमें प्रॉन है, इसमें चिकन है, इसमें आई थिंक दिस वन इज आलू व्हाट फिश। अच्छा हाँ ये फिश का कबाब है और ये चिकन का है। तो मेरा तो मेन इंटरेस्ट इसी में है, कबाब्स में। अच्छा हो गया है भाई, अब हम क्या दिखाएंगे, अब हम जाएंगे मेन कोर्स में। तो उसको साइड कर देती हूँ, काफी लंबा वीडियो होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्या है, मटन, आपको ज्यादा अच्छा पता होगा तो मेनू के नाम आप बता दीजिए। ये क्या है, दाल, दाल मखनी है ये। अच्छा ये है रायता बिरयानी के साथ, ये है बिरयानी, बिरयानी दिस इज बिरयानी, ये है रायता है बिरयानी के साथ, और ये फिश और बटर चिकन होगा। अच्छा ये फिश, मतलब आप ऑप्शन है आपके पास, आप चूज कर सकते हो है ना, कि फिश लेना है आपको, बटर चिकन लेना है और मटन लेना है, मतलब इन तीनों में से आप दो चूज कर सकते हो, या तो फिश चिकन, या तो मटन फिश, या तो चिकन फिश, जो भी आपको लेना है आप वो ले सकते हो। अच्छा पराठा भी है हमारे पास, हमने शायद लच्छा पराठा चूज किया था, ठीक है, और इसमें भी नान है और पता नहीं क्या एक आध ऑप्शन और है। तो ये है लच्छा पराठा, इसमें है दो पीसेस, मतलब जो खाना है ना ये दो जनों के लिए इनफ है। स्टार्टर भी है आपके पास, मेन कोर्स भी है, और ये जो तीनों चीजें हैं ये डिजर्ट है, ये फिरनी है, ये छोटे छोटे साइज के गुलाब जामुन है, पता नहीं इसको पर्टिकुलरली मुझे इसका नाम नहीं पता, और दिस वन इज ब्राउनी। तो ये सब कुछ खाना है बहुत सारा। टेस्ट का तो बारबेक्यू नेशन में हम गारंटी दे सकते हैं, पर जब हम खाऊं मतलब खाना हो जाएगा ना तो मैं आपको इसका रिव्यू भी बताऊंगी कौन सा खाना कैसा था। अच्छा सैलड दिखाना भूल गए, इसमें सैलड भी है। ये बॉक्सेस बहुत क्यूट है, रीयूजेबल बॉक्सेस है शायद, मतलब आप इसमें कुछ कैरी भी कर सकते हो अगर आपको खाना कभी कहीं पे लेके जाना है, एंड यू आर ओके टू कैरी इन अ प्लास्टिक बॉक्स, तो आप इसमें खाना कैरी कर सकते हो। 1, 2, 3, 4 ऐसे टाइप के बॉक्सेस है, और छोटे छोटे ऐसे टाइप की चटनी के साथ बॉक्सेस भी है छोटे छोटे, अगर आप कुछ कैरी करना चाहो, इयर रिंग वगैरह, गुड टू कैरी। ओके तो खाना खाने के बाद मैं आपको रिव्यू दूंगी, और एक बार मैं चेंज कर लेती हूँ, फ्रेशन अप हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे गाइस। एक्चुअली आज है अष्टमी की सुबह, और कल रात को मैंने आपको खाने का अनबॉक्सिंग वगैरह दिखाया, उसके बाद मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, बहुत थक गई थी। अभी मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर, क्योंकि शुभोदीप अपने घर जा रहे हैं, तो मैं वहाँ जाकर आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी महाअष्टमी। और कल थोड़ी सी झलकी आपने देखी कि कैसे हमने स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया, और खाना जो था ना बारबेक्यू नेशन का वो भी बहुत अच्छा था। अगर कभी आपको ट्राई करना हो ना तो आप जो है जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर खुद जाकर पिकअप कर सकते हैं लेक मॉल से, या पार्क स्ट्रीट में, जो भी आपको नियर बाई पड़े। आपको मंत्र मंत्र की आवाज़ें आ रही होगी, क्योंकि जो पंडाल है वहाँ पे अंजलि की जो मंत्र होते हैं महाअष्टमी की सुबह वो बोली जा रही है, एंड कोई जा नहीं रहा है एज सच। जनरली हम जाकर वहाँ पे जो है दुर्गा माता के सामने खड़े होके जो सारे मंत्र है वो बोलते हैं, पर इस बार नहीं पॉसिबल है। तो इस
इसलिए मंत्र बोले जा रहे हैं, लोग घर पे ही बैठकर जो है अपने घर पे अपने मंदिर के सामने बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ घर पे मम्मी के पास, बाकी की जो दुर्गा पूजा है वो मैं मम्मी के साथ ही सेलिब्रेट करूँगी। एंड मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, फ्रेश कपड़े मैंने पहन लिए हैं। तो अंजलि मतलब महाअष्टमी है और सालों से मैं इस दिन पे साड़ी पहनती आ रही हूँ और दुर्गा पूजा में अभी तक मैंने एक भी दिन साड़ी पहनी नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा अभी हल्का फुल्का सा रेडी होंगी, कुछ भी ज़्यादा मेकअप वेकअप करना नहीं है, घर पर ही रहना है। तो मैं हो जाती हूँ हल्का सा तैयार और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं और मम्मी हम इकट्ठा वर्चुअली इस बार अंजलि देंगे। तो वो आपको थोड़ी सी झलकियाँ दिखाऊंगी और शायद ये ब्लॉग मैं वहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि महाअष्टमी की अंजलि हो चुकी होगी और उसके बाद और कुछ खास है नहीं आज का दिन। आई डोंट थिंक कि अभी और कुछ एक्साइटिंग होगा, तो मैं इस ब्लॉग को वहीं पे एंड करूंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। मैं तो आप लोग भी अपनी बाकी की नवरात्रि बहुत अच्छे से इन्जॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजारिए सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। মানস।